आप सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष आज जो चर्चा के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ, ये चर्चा काफी विशेष है। जैसा कि मेरी पुरानी वीडियोस में काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी और बहुत ज्यादा एक तरीके से क्वेरी कह सकते हैं कि एग्जाम फियर के बारे में थोड़ी बात की जाए, तो मैं आज एग्जाम फियर के बारे में बात करने के लिए आपके बीच में आया हुआ हूँ। सबसे पहले देखिए, एग्जाम है क्या, परीक्षा क्या चीज है, तो परीक्षा हमें पता होना चाहिए। परीक्षा कोई विशेष चीज नहीं है, परीक्षा वही है जो हमने पुराना पूरा डेकोरम एक साल में या अपने 6 महीने में या 3 महीने में जो पढ़ा होता है उसी का एक एग्जामिनेशन है, सेल्फ एनालिसिस है, ठीक है, खुद का स्वयं परीक्षण करने का एक तरीका है। तो वही एक परीक्षा है, उसको हम कई बार फियर के तौर पर ले लेते हैं क्योंकि कई लोग वो 3 महीने 6 महीने और जो एक साल का डेकोरम होता है किसी कारणवश या कोई घटना के कारण नहीं पढ़ पाते, फिर अचानक से एग्जाम आ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो जाता है। तो मैं आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा। मैं अपनी चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने श्री हनुमान जी के बारे में बताना चाहूंगा, उसके बाद आपको खुद पता लगेगा कि एग्जाम के बारे में आपको जो फियर है आपका वो कैसे कम होगा। तो देखिए, जब हनुमान जी को लंका जाना था, किसके लिए जाना था, भगवान श्री राम जी के आदेशानुसार एक कह सकते हैं चिन्ह लेकर जाना था और माता सीता के पास जाना था कि जो हनुमान जी है वो चिन्ह लेकर गए और उन्होंने बताया माता को कि माता हम लोग बिल्कुल आपके पास में आ चुके हैं और जल्द ही जल्द श्री राम जी आपको छुटाने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो एक वो अंगूठी लेकर वहां पर गए थे, पर मैंने ये छोटी सी बात बताई आपको, ये इतना छोटा नहीं था। तो जब वो बात वहां पर हुई कि ये जो चिन्ह है ये लेकर कौन लंका जाएगा, तो वहां पर सभी में राम जी की जो सेना थी पूरी की पूरी में ये बात उठी कि ये लेकर कौन जाएगा। तो जब ये ऐसी बात होने लगी तो वहां जामवंत जी थे, जामवंत जी ने कहा कि ये तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, हनुमान। हनुमान जी क्योंकि अपनी सभी शक्तियां भूल चुके थे, उन्हें मतंग नाम के ऋषि ने एक श्राप दिया था तो उसकी वजह से अपनी सभी शक्तियां भूल चुके थे और उनको ये श्राप मिला था कि जब तक तुझे तेरी कोई शक्तियां याद ना दिलाएगा तब तक तुम अपनी शक्तियों को याद नहीं कर पाओगे। तो उनको जामवंत जी ने जैसे उनकी शक्तियां याद दिलाई तो उनको उनकी शक्तियां याद आ गई और बताते हैं कि जब वो स्मृति चिन्ह लेकर जैसे ही उन्होंने जिस पहाड़ पर रखकर छलांग लगाई वो पहाड़ पाताल लोक में चला गया था और जब वो समुद्र के रास्ते से लंका जा रहे थे तो जाते जाते बीच में उनका जो पहला विवाद हुआ, पहला वाद जो हुआ वो सुरसा के साथ में, सुरसा नाम की एक राक्षसनी थी, उनसे उनकी बात हुई, सुरसा रुकी तो सुरसा ने उनको रोका, तो सुरसा ने जैसे उनको रोका तो वो रुकते कहते हैं माता मुझे बहुत जल्दी जाना है, मुझे बहुत थोड़ा जल्दी का काम है, मुझे जाने दीजिए, मेरा मार्ग ना रोका जाए। उन्होंने कहा कि तुझे मैं तेरा भोजन करूंगी तभी उसके बाद में तू जाएगा तो मेरे पेट के अंदर जाएगा और कहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तुझे और आगे कहीं जाना नहीं है। तो वो कहने लगे माता मेरा जो काम है बहुत ज्यादा जरूरी काम है, मैं वो काम करके आ जाऊं फिर तुम्हारे पेट में चला जाऊंगा, पर अभी मुझे फिलहाल जाने दो। सुरसा नहीं मानी, सुरसा की जिद के आगे हनुमान जी ने कहा कि ठीक है माता तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह के अंदर आने के लिए तैयार हूँ। बताया जाता है कि सुरसा ने जब 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए, फिर सुरसा ने अपना मुंह 4 योजन का करा तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए, फिर सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन का करा तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए, यानी कि वो उनके जितने मुंह का साइज था उससे बड़े होते जा रहे थे, दुगने होते जा रहे थे। फिर सुरसा ने अपना मुंह 32 योजन का करा तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे 2 योजन के हुए, फटाफट मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए क्योंकि उनका मुंह इतना बड़ा हो चुका था सुरसा का उस समय पे, और हनुमान जी ने इतने से होके तुरंत उसके मुंह में गए और वापस आ गए। तो उन्होंने आकर बार कहा देख माता तेरी भी बात रखी गई, मेरी भी बात हो गई, तेरे पेट में जाना था पेट में जाके वापस आ गया, अब मुझे जाने दे। तो सुरसा का इस तरीके से उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक लगा के इस काम को बड़ी सफलता के साथ किया क्योंकि उनको अपनी शक्तियों का आभास हो चुका था कि मैं बड़ा छोटा हो सकता हूँ। उसी प्रकार जब वो आगे पहुंचे और आगे पहुंचने के बाद में वो माता सीता के पास पहुंचे और माता सीता के पास पहुंचने के बाद में उन्होंने ऊपर से जो अंगूठी थी जो दी गई थी उनको उन्होंने नीचे गिराई, माता के जो सीता थी माता सीता के पास में, माता सीता के चरणों में आगे अंगूठी गिरी तो माता सीता ने जैसे अंगूठी देखी तो माता सीता कहने लगी कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर, कौन है। तो इतना कहने पर माता सीता के वो पेड़ से नीचे आए हनुमान जी और आकर कहा माता मैं हूँ। तो माता ने कहा तुम कौन हो, तो मैं तो तुम पे विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि जो रावण था वो बहुत सारी अटकेलियां करता रहता था, छल करता रहता था, बहुत सारे नए नए रूप बनाकर और कभी राम जी के रूप में कभी किसी के रूप में आता रहता था। तो उन्होंने एक वचन दिया और एक तरीके से एक उपमा दी उनके सामने और बताया अपने आपको कि मैं कौन हूँ। उन्होंने बोला राम दूत मैं मात जानकी सत्य सपत करुणा निदान की। तो उन्होंने बोला कि मैं बस राम का दूत हूँ, यही उनकी कसम लेकर आपको बता सकता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। तो अब ये जो इतनी सारी कहानी थी जो मैंने आपको बताई है पूरी की पूरी, इसका मोरल क्या है, तो देखिएगा आप सभी लोग एग्जाम में जब जाते हैं अपियर होने के लिए जाते हैं तो आप सब कुछ जानते, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां जानते थे, बस उनको आभास कराने की आवश्यकता थी कि तुम्हारे अंदर वो सभी शक्तियां
है। इसी तरीके से एग्जाम के समय में हमारे अंदर भी वो सभी पोटेंशियल होता है जो कि एक सामान्य व्यक्ति के अंदर होता है या एक कह सकते हैं इंटेलिजेंट बंदे के अंदर होता है। बस आपको ध्यान देना होता है उस टाइम पर अपने आप पर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों पर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग कहते हैं हमारा दोस्त आके हमारे सामने बोल दे अरे तुमने ये टॉपिक पढ़ा, तो हम लोग उस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा गौर देने लगते हैं और बाकी जो हमने पढ़ा होता है उस पर हमारा मॉरल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। हम जब भी कभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो जो आपने पढ़ा है, चाहे आपने मैं कह सकता हूँ कि ए से लेके जेड तक आपको पढ़ना था, पर आपने ए से लेके जेड तक पढ़ा पर आपके जो टॉपिक है वो कुछ कुछ बीच में दो चार टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े कमजोर रह गए हैं, तो आप उन कमजोर टॉपिक पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि आपने अगर 26 टॉपिक में से 22 टॉपिक अच्छे से करे हैं तो वो टॉपिक आपके बिल्कुल सॉलिड होने चाहिए, उनमें आपको मार नहीं खानी है। आपके चार टॉपिक रहे हैं, हो सकता है उनसे क्वेश्चन ही पेपर ही ना बने, और बने तो उसमें ज्यादा दिक्कत ना है। चार ही टॉपिक से ऐसा थोड़े ना होगा कि चार ही टॉपिक से क्वेश्चन पेपर बन जाएगा, जो आपने 22 टॉपिक पढ़े हो सकता है क्वेश्चन पेपर उनसे भी बने। तो इसलिए कभी भी आपको मॉरल डाउन नहीं करना है। आपके सामने वाला मित्र आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि हमेशा मित्र ऐसी कंडीशन में मॉरल डाउन कराने का काम करते हैं। एग्जाम से जस्ट बिफोर आपके पास आते हैं, कहते हैं यार तूने वाला टॉपिक पढ़ा, तो इतना सुनते ही हम लोगों का मॉरल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपना मॉरल नहीं डाउन करना है। आपको अपने मित्र की बातों पर कम से कम ध्यान देना है। बस आपको इस तरीके से तैयार रहना है कि मैंने जो पढ़ रखा है वो बेस्ट पढ़ रखा है, इतनी बात आप जानकर चलेंगे और हनुमान जी की कथा से कुछ सीख कर चलेंगे, तो गारंटी से मैं बता सकता हूँ कि आपका एग्जाम कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आपने सारी चीजें अच्छे से कर रखी है। पर आप लोग क्या करते हैं कि दूसरे को देखकर अपना मॉरल डाउन कर लेते हैं और वही आपका मॉरल एग्जाम को बिगाड़ देता है। तो आपको अपना एग्जाम का मॉरल बिल्कुल हाई रखना है, अपना किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। जितना आपने कर रखा है उस पर आपको बिल्कुल बी प्रिपेयर रहना है कि मैं इसमें बेस्ट देकर आऊंगा, मुझे अपना बेस्ट देके आना है। बाकी आपके एग्जाम का बिल्कुल भी आप फियर मत करिएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होगा। धन्यवाद।